बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं, जिनकी स्पीच फनेटिक्स क्लियर नहीं होती, उनको क्लियर करने में सुप्रभातम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे हाथ में है गीता और पांचजन्य शंख। तो सबसे पहले बच्चों प्रणाम करो श्रीमद् भगवद गीता। आपको पता है कि पांचजन्य शंख कॉन्च ब्लोइंग करने से आपकी जो डायफ्रम है, नेक, डायफ्रम, अपर चेस्ट और यूरिनरी ब्लैडर की परफेक्ट एक्सरसाइज होती है। इसके साथ ये जो वन अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, बहुत सुंदर। तो देखा आपने जब ब्लो कर रहा था बच्चा तो कितनी अच्छी साउंड, ओम सिलेबल की आवाज निकलती है जब ब्लो करते हैं हम पांचजन्य शंख को। और जब आप इसे कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तो ओरल कैविटी में भी अक्सर अर्ली स्टेजेस के पांचजन्य शंख को बजा करके ही लड़ाई शुरू हुई थी महाभारत की। तो आज हम एक बच्चे भी हैं हमारे पास हैं, तो पहले अटेम्प्ट में हमें ट्राई करना है कि हमने इस पांचजन्य शंख को, भगवान श्री कृष्ण का शंख माना जाता है ये पांचजन्य शंख, इसको हम लोग एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करते हैं ब्लो करना। बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं, जिनकी स्पीच फनेटिक्स क्लियर नहीं होती, उनको क्लियर करने में हमारे पूर्वजों ने पहले ही जाना था कि कॉन्च ब्लोइंग सिर्फ एक सिलेबल ओम साउंड प्यूरिफाई नहीं करती, हाई वाइब्रेशन की आवाज निकलती है जिससे कि पूरा अच्छा फील हम लोग कर पाते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम ट्राई करते हैं कॉन्च ब्लोइंग, यानी कि पांचजन्य, श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य शंख को बजाकर ही महाभारत की लड़ाई की शुरुआत की थी और विजयी हुए थे, कौरवों को हराया था पांडवों की मदद से। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक कंडीशन होती है जब फाइब्रस बैंड्स के कारण मुंह प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता, टोबैको च्यूअर्स में एक कंडीशन अक्सर देखने को मिलती है। तो उस केस में भी जो पांचजन्य शंख है इसको बजाने से आपका जो ओरल कैविटी के जो मसल्स हैं वो रिलीव होते हैं, ओपन अप होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो पद्धति है ये कम होती जा रही है, लोग नहीं फॉलो करते, कॉन्च ब्लोइंग को आउटडेटेड समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी भी बहुत हिंदू ट्रेडिशन है कि पांचजन्य शंख घर में बजना चाहिए जिससे कि ओम सिलेबल हमें इस घर में सुनाई पड़े, एक हायर वाइब्रेशन की आवाज निकले और हमारा माइंड और हमारा घर अच्छी आवाज से गूंज उठे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और कॉन्च ब्लोइंग जरूर प्रैक्टिस करें, बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं, अपनी स्टैमरिंग क्लियर कर सकते हैं।